हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, एज यू नो दैट वी आर ऑलरेडी स्टार्ट ए ग्रामेटिकल सेक्शन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड नाउ टुडे यू आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट, इफ यू वांट टू नो, इफ यू टेकन होल ग्रामेटिकल सेक्शन तो यू वांट कॉन्टैक्ट गुरुजी उत्तराखंडी YouTube channel and purchase it. Okay, student. So now today we are going to start active and passive voice. Student, active and passive voice, you know very well that what is the meaning of active and what is the meaning of passive. Okay. Now इसको समझते हैं बच्चों। Student की active voice क्या होता है और passive voice क्या होता है? ठीक है? Active. Active means होता है एक्टिव वॉइस में हमें जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या करता है इसमें, सब्जेक्ट एपियर्स टू बी डूइंग इन एक्शन। एक्टिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हमको एक्शन करता हुआ दिखेगा, सो दैट मींस इट इज एन एक्टिव वॉइस। एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस मींस सब्जेक्ट एपियर्स टू बी रिसीविंग इन एक्शन, सब्जेक्ट एपियर्स टू बी रिसीविंग, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो एक्शन को रिसीव करता हुआ मिलेगा आपको, तो वही उसमें डिफरेंस है। समझ में आ गया स्टूडेंट? जैसे इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, राम किल्स अ बर्ड। ओके, राम किल्स, राम क्या मोस्टली हमारा सब्जेक्ट है, किल्स क्या है हमारी एक सैंपल प्रेजेंट की वर्ब है ना, भीवन। ओके, सैंपल प्रेजेंट में यू नो वेरी वेल दैट What is the helping verb simple present? S oblique yes and negative sentence में क्या लगता है? Do and does लगता है, ठीक। दूसरा ये हमारा क्या है? Object है। ओके, अब देखिए राम किल से, बट आपको यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा है, ये राम जो है चिड़िया को मारता हुआ एक्शन करता हुआ दिख रहा है। ओके, नाउ मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस में ये है कि सब्जेक्ट एपियर्स बी डूइंग इन एक्शन, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हमें कार्य करता हुआ दिखेगा। ओके नाउ, एंड स्टूडेंट पैसिव में क्या बन जाता है आप देखिए, अब पैसिव में क्या बन जाता है हमारा, सब्जेक्ट एपियर्स टू बी रिसीविंग एन एक्शन। अब हमारा जो सब्जेक्ट राम है यहाँ पे ना, ये जो है कार्य को रिसीव करता हुआ आपको मिलेगा सेंटेंस में, जैसे क्योंकि आपको पता है मोस्ट, पहले हम आपको बता दें इसका मीनिंग, फिर डिटेल्स में फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए आप, ए बर्ड, किल्ड बाय राम, ये समझ गए स्टूडेंट। जैसे कि अब देखिए बर्ड किल्ड बाय राम है ना, तो बर्ड जो है, ये बर्ड जो चिड़िया जब मर गई तो इसको रिसीव कर रहा है राम, राम ने रिसीव कर दिया है कार्य को, कोई कार्य हो चुका है वो सब्जेक्ट हमारा रिसीव कर रहा है, यही इसमें मेन डिफरेंस है। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है? एक्टिव वॉइस में हमको सब्जेक्ट जो है कार्य करता हुआ दिखता है और पैसिव वॉइस में हमको सब्जेक्ट जो है कार्य को रिसीव करता हुआ दिखता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ना स्टूडेंट छोटा सा इसका हम रूल्स बताते हैं आपको कि ये किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, सो दैट हम आगे चलते हैं और वो रूल्स पढ़ते हैं। मोस्टली स्टूडेंट आपको पता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर वही सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब होती है और जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात जिनमें ऑब्जेक्ट है उसी में ट्रांसिटिव वर्ब होगी। एंड हाउ यू फाइंड दिस सेंटेंस हैव ए ट्रांसिटिव वर्ब, कैसे पता लगेगा कि आपको इस सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब है? आपको पता है कि ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब कहने से ही हमें महसूस हो रहा है कि ट्रांसिटिव वर्ब वह होती है जिसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो ट्रांसफर करता है ना किसी भी कार्य को, ट्रांसिटिव वर्ब होती है, और जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। वो सेंटेंस अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनको अपने कार्य की पूर्ति के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो क्या होता है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, और ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसको अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। We are understand this statement and example. The sun rises in the east. सूर्य पूरब से उगता है। इसको कोई अपने कार्य को पूरा करने के किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी, तो हमारा क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है ये? इंट्रांसिटिव वर्ब है। समझ में आ गया बच्चों? स्टूडेंट समझ में आ गया कि यह क्या है हमारा, इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होगा फिर, ट्रांसिटिव वर्ब, अब इसको फिर मैं अभी दोबारा इसको रिवाइज कराऊंगा आपको। ट्रांसिटिव वर्ब देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब को अपना जब सिंस को पूरा करेगा तो उसको क्या, उसका ऑब्जेक्ट प्रॉपरली होगा, जैसे हमने लिखा यहां पर ही राइट्स ए लेटर, ये ही राइट्स ए
लेटर, ही राइट्स, वो लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, अर्थात इसको अपने कार्य को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी है। अब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड होगा सेंटेंस में, हाउ वी फाइंड ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, कैसे, देयर आर टू काइंड ऑफ मोस्टली एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मोस्टली जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है हमारा, इन एनिमेट थिंग होता है, इसमें कोई जान नहीं होती है, ये इन एनिमेट थिंग होते हैं, क्या होते हैं ये, निर्जीव निर्जीव वस्तुएं होती ना, जैसे पेन टेबल सब, इसमें जो निर्जीव वस्तुएं इंटेंसिटिव वर्ब होती है हमारे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये रिलेटेड टू पर्सन, ये थिंग्स आ जाती है, इसमें क्या आती हैं, थिंग्स आ जाती हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आते हैं हमारे, पर्सन आते हैं, ठीक हो गया। अब थिंग्स की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, थिंग्स में कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीजें आएंगी ना, वो जैसे इनडायरेक्ट, इसको फाइन करने के लिए हम जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइन करते हैं तो हम सेंटेंस में व्हाट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, व्हाट लगा देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आप नोट कर सकते हैं इसको। दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइन करने के लिए क्या लगा देंगे, हम whom लगा देंगे। यदि आपने दो एक क्वेश्चन वर्ड्स लगा दिए सेंटेंस में, आपको आंसर फाइंड हो रहा है, तो आप समझ लीजिए वहां क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, अर्थात उस सेंटेंस की हमारी पैसिव वॉइस बनेगी, ठीक हो गया। तो क्या लगाएंगे आप उसमें, व्हाट एंड whom लगाएंगे। जैसे हमने लिख दिया यहां पर द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब इसमें क्वेश्चन में आप यूज कीजिए व्हाट एंड whom को यूज कीजिए, व्हाट राइजेज द ईस्ट तो होगा नहीं, व्हाट whom राइजेज भी नहीं, whom तो ऑलरेडी पर्सन के लिए प्रयोग होता है, ठीक हो गया। तो बच्चों स्टूडेंट देखिए कि यहां पर जो है वेयर लगाने से आंसर फाइंड होगा ना, हमें वेयर इज द सन साइंस, सूर्य कहां से चमकता था, वेयर हमें एडजेक्टिव ऑफ पैलेस बता रहा है, ठीक है, पैलेस के बारे में बता रहा है ना हमको, एडवर्ब ऑफ पैलेस हो रहा है ना, वेयर वर्ड लगाने से, तो ये सेंटेंस जो है वर्ड लगाने से आंसर फाइंड हो, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, सो दैट इट इज नॉट चेंज इन ए पैसिव वॉइस, एंड वी फाइंड हियर आंसर इन क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, हमको वर्ड लगाने से इसमें आंसर मिल रहा है। देखिए ही राइट्स ए पेन, ही राइट्स ए लेटर, व्हाट इज ही राइट, ही राइट ए लेटर, सो दैट इट हैज बीन, इट हैज ऑलरेडी ए ऑब्जेक्ट है, सो दैट इट इज चेंज इन पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव से पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमें व्हाट और whom का प्रयोग करना पड़ता है, ये ऑलरेडी मैं आपको एप्लीकेट करके भी यहाँ दिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था आपका कि एक्टिव से पैसिव हम कैसे चेंज करते हैं, और इसके सब रूल्स मैं आपको इसके डिटेल्स बता देता हूँ कि कौन कौन से हमारे सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर होगा, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ज्यादा डिटेल्स हम आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टाइप वन है हमारा, क्या है, टाइप वन है। मोस्टली हमारे थ्री इंटू कितने टेंस होते हैं, टेंस हमारे होते हैं, देयर आर थ्री काइंड ऑफ टेंस, इसके पार्ट हो जाते हैं, फिर एक टेंस के कितने पार्ट हो जाते हैं, एक टेंस के हमारे चार पार्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारे टोटल काइंड ऑफ टेंस कितने होते हैं, 12 हो जाते हैं, ठीक है। और 12 टेंसों में से स्टूडेंट हमारे केवल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, कितने टेंसों की बनती है, केवल 8 टेंसों की बनती है, वो टेंस में लिख देता हूं, आप राइट डाउन कर सकते हैं उसको, ठीक हो गया। एक तो बनेगी स्टूडेंट हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, नंबर दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तीसरा टेंस बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, अब चौथा टेंस बनेगा हमारा क्या, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। पांचवा टेंस बनेगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, सिक्स बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट, एंड सेवन बनेगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, एट बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट, ठीक हो गया। केवल 8 टेंसों की हमारी पैसिव वॉइस बनती है, वो टेंस हमने यहाँ लिख दिए हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इन योर बुक, ओके। अब बच्चों इसमें क्या है, आप बोलेंगे कि व्हाई नॉट द फोर टेंस ट्रांसफर इन एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ये भी तो हमारे मन में सवाल उठता है कि अगर इन सेंटेंसों की, हमारे टेंसों की एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर हो रहे हैं तो हमारे वो सेंटेंस क्यों नहीं होंगे ट्रांसफर, ये भी तो हमारे मन में सवाल उठता है, क्यों नहीं होगा बच्चों, हम बताते हैं आपको। जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच गया ना, क्या बच गया, तीनों टेंसों के हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच गए, कौन से बच गए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इनटू थ्री कर दो इसको, ठीक हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका हमारा ये पैसिव में ट्रांसफर नहीं होते, क्यों नहीं होते, ये ऑलरेडी ही पैसिव फॉर्म में होते हैं, किस में होते हैं, ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होते हैं, इसलिए ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। दूसरे टेंस कौन, थ्री तो ये हो गया आपके, अब कौन सा टेंस बच गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, थ्री टेंस हो गया, एक टेंस हमारा और बचता है, इसमें कौन सा बचता है हमारा, फ्यूचर
कंटिन्यूअस, ये इसका भी हमारा जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब इनके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज बीन प्लस हैव बीन, ये प्लस वी1 प्लस आईएनजी, ये तो इसकी फॉर्म है। और दूसरा हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, पीपी की बात करते हैं, ठीक हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, इसमें क्या लगता है सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन प्लस, हैड बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी लगता है, ये हो गया। और फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, इसमें क्या लगता है विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी, ये इसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब फॉर्म है, ठीक हो गया। अब दूसरा टेंस कौन सा हमारा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की है विल बी प्लस शैल बी, ये जहां स्टूडेंट बी लग जाता है और बीन लग जाता है वो सेंटेंस हमारा क्या होता है पैसिव फॉर्म में होता है, किस में होता है पैसिव फॉर्म में होता है, इसीलिए जो है इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। इसीलिए आज से कोई भी आपको क्वेश्चन करते हैं हाउ दीज फोर टेंस नॉट ट्रांसफर टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, योर आंसर इज दिस सेंटेंस दिस टेंस इज ऑलवेज एन ए पैसिव वॉइस, ठीक हो गया। अब इसमें सवाल ये उठता है कि पैसिव वॉइस में आप कहेंगे कि एक एक्टिव के पैसिव फॉर्म में होते हैं, ठीक हो गया, इसीलिए इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, समझ में आ गया, एक्टिव के पैसिव फॉर्म में होते होते तो वो एक्टिव फॉर्म में, लेकिन पैसिव का उसमें बीन लग जाता है ना, बी और बीन लग जाता है इनमें, इसलिए ये क्या होते हो चुका होता है कार्य, इसलिए ये पैसिव वॉइस में नहीं होते। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि जब हम इसकी थर्ड फॉर्म लेते हैं ना हैड, जब हम वहां टेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम ट्रांसफर टू एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वी थ्री लगता है, तब हमारा ये पैसिव फॉर्म में होता है, ठीक हो गया। क्या लगता है हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसमें हमारा पैसिव फॉर्म में होता है। सो स्टूडेंट अब यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, आपको ये ग्रामेटिकल सेक्शन आपको लाइक कर रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, अब पूरा ग्रामेटिकली सेक्शन हम आपको आगे बढ़ाएंगे, और कॉन्टैक्ट कीजिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में अपना अधिक से अधिक बताइएगा, ताकि पढ़ सके, पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज आपको दिया जा सके, बीच का कोई मामला इसमें नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज है। और इसमें जो है हम आपको पूरा ट्रांसफर करना सिखाएंगे अभी, ठीक है, अगली वाली वीडियो आने वाली वीडियो में ये ट्रांसफर कैसे होते हैं, कौन से रूल्स हैं आपके, ये सिखाएंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस था, जिसमें आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव किस सेंटेंस की बनेगी और कितने टेंसों की बनेगी और कैसे बनेगी, एक्टिव क्या होता है पैसिव क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।